अस्सलाम वालेकुम। एसोसिएटिव लॉ जो है वो यूनियन के लिए कुछ इस तरह की वेन डायग्राम बनेगी। एसोसिएटिव लॉ यूनियन ये देखें, ये इसके लिए है और ये यूनियन दूसरे के लिए है। एसोसिएटिव लॉ को आप यूं भी लिख सकते हैं, दैट इज़ फॉर द इंटरसेक्शन। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ यूनियन के लिए था, ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो इंटरसेक्शंस के लिए है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ इस तरह होगा। ठीक है, आपको पता है ना एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जो है उसमें दो की बजाय तीन क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इसमें ऑपरेटर दो होते हैं लेकिन इसमें ऑपरेटर जो है वो एक ही होता है। अगर अगर यूनियन है तो सारे में यूनियन का होगा, इंटरसेक्शन में तो सारे में इंटरसेक्शन का होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसे नहीं होता, उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों होते हैं। उसमें शेडेड एरियाज इस तरह से बनेंगे। ठीक है, ये वेन डायग्राम के डिफरेंट फीचर्स हैं, इनको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लें। अगर कहीं से कन्फ्यूजन होती है देन यू कैन कंसल्ट विद द बैक, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू विद द सप्लीमेंट नोट्स एज वेल। ओके जी, कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को जब आप देखेंगे 5.3 में, ये तो सिंपल प्रूफ के क्वेश्चन है, वो आपको आते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आपने 5.2 में रिसेंटली किए हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एग्जैक्टली, जो फोर्थ है ये वेन डायग्राम के, बाकी के तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो वेन डायग्राम के बगैर हैं। यू डोंट हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर इट, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो वेन डायग्राम से के मुतलिक है। इसका जो पार्ट 1 है वो आप देख लें कि मैं किस तरह कर रही हूँ, बाकी के पार्ट्स जो हैं वो आपने खुद करने की कोशिश करनी है। इफ़ यू डोंट गेट द आइडिया दैट हाउ इट विल बी डन, देन यू कैन कंसल्ट द नोट्स, अदरवाइज यू शुड ट्राई एट लीस्ट एट योर ओन। ठीक है, ये देखें बट आई हैव गिवन, ये मैंने देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तीनों क्वेश्चन जो हैं ये सेट नोटेशन है ऑलरेडी।